मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जनपद में बाढ़ की स्थिति की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा समय समय पर जनपद का हवाई सर्वे कर प्रभावित गांव की स्थिति की भी समीक्षा की गई है तथा पिछले दिनों सहजनवा तहसील के गांव चढ़राव में माठ विरार कोहराभार के बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित किया गया था, जिसके संबंध में जिलाधिकारी केवीएन पांडियन ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि जिले में बाढ़ से प्रभावित गांव में बचाव के लिए लगातार राहत कार्य किए जा रहे हैं। सरयू घाघरा में गिरजा बराज शारदा तथा सरयू बराज में छोड़े गए पानी के कारण नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। वृद्धि के दृष्टिगत तहसील गोला एवं खजनी को हाई अलर्ट पर लाने के लिए निर्देशित किया गया है। बढ़ते जलस्तर के दृष्टिगत तहसील व विभाग स्तर पर संचालित ईओसी के को 24 घंटे क्रियाशील रहने, तटबंध की लगातार पेट्रोलिंग, बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को स्थापित किए जाने के दृष्टिगत प्रस्तावित राहत शिविर में शुद्ध पेयजल, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, महिलाओं पुरुषों के लिए पर्याप्त शौचालय तथा कोरोना महामारी के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ठहरने की उचित व्यवस्था के साथ अन्य व्यवस्थाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि पशुओं के चारे तथा प्रभावित परिवारों को राहत खाद्य सामग्री वितरण में किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाए, जितने किट की आवश्यकता हो उसकी मांग प्राथमिकता के स्तर पर की जाए, साथ ही नाव एवं नाविकों की भी पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी केवीएन पांडियन ने बताया कि वर्तमान में जनपद में 63 ग्राम बाढ़ प्रभावित है, जिसमें से 39 ग्राम मैरुंड हैं। उन्होंने बताया कि कुल 86 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। सभी बाढ़ चौकियां क्रियाशील हैं। प्रत्येक बाढ़ चौकी पर राजस्व, सिंचाई एवं पुलिस विभाग के प्रतिनिधि तैनात हैं। जनपद में कुल 397 नाव उपलब्ध है, जिसमें 78 नावें क्रियाशील हैं तथा 30 नाव अयोध्या से मंगाई गई है, जिन्हें मांग के सापेक्ष तहसीलों में तैनात किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि कुल 376 मेडिकल टीमें गठित की गई हैं। 16,534 उपचारित मानव, 1,95,554 क्लोरीन गोली वितरण तथा 34,262 ORS पैकेट वितरण किया गया है। जिला मुख्यालय पर 265 एंटी स्नैक वेनम तथा 16 CHC PHC पर कुल 523 एंटी स्नैक वेनम उपलब्ध है। 11 पशु शिविर स्थापित किए गए हैं, जिसमें 525 उपचारित पशुओं की संख्या है और 7,342 पशु टीकाकरण तथा 65 कुंटल भूसा वितरण किया गया है। समस्त तहसीलों में कुल 5,300 तारपोलिन शीट वितरित की गई है और अभी तक समस्त तहसीलों में कुल 21,344 राहत खाद सामग्री किट वितरित किया गया है।